हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए अपने को सिर्फ 2 पॉइंट याद करने हैं, याद भी नहीं करने हैं, एक्चुअली सिमिलर ही है ना, सिंपल तरीके से हो जाएंगे। देखो नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन का लेना देना तो होगा, ठीक है। अब देखो ऐसा हाइड्रोजन जो फोन से जुड़ा हो, ऐसा हाइड्रोजन जो फोन से जुड़ा हो मतलब फ्लूरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़ा हो, ठीक है। पहला पॉइंट है ऐसा हाइड्रोजन जो फोन से जुड़ा हो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा किसके साथ, फोन के साथ, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर पॉइंट है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोजन का लेना देना तो होगा, तो हमने 2 पॉइंट किए कि ऐसा हाइड्रोजन जो फोन से जुड़ा हो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा किसके साथ, फोन के साथ। देखो मैंने अभी जो भी बोला आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो मैं आपको 2 कंडीशन बताता हूं, देखो ये है CH4 और यहां पे है हमारे पास ये HF, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां होगी कि नहीं होगी। अब देखो पहली कंडीशन हमारी क्या थी कि ऐसा हाइड्रोजन जो फोन से जुड़ा हो मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से, यहां पे कार्बन है मतलब ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि यहां पे फोन होना चाहिए, पर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। अब दूसरी कंडीशन मैं आपको देता हूं, मान लो ये है HF और ये है HF, ठीक है। अब इसमें आपसे पूछ लिया जाए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी, तो पहला स्टेप वाइज देखना है कि ऐसा हाइड्रोजन जो फोन से जुड़ा हो मतलब यहां पे फ्लोरीन है तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई, तो ऐसा हाइड्रोजन जो फोन से जुड़ा हो वो फोन के साथ मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ, तो यहां भी फोन अपना सेटिस्फाई हो रहा है मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइप्स की। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 टाइप की, इंटरमोलिक्यूलर एंड इंट्रामोलिक्यूलर। तो ये तो नाम से ही पता लग रहा है, इंटरमोलिक्यूलर मतलब 2 मॉलिक्यूल्स के बीच और इंट्रामोलिक्यूलर मतलब 1 मॉलिक्यूल के अंदर। तो पहले हम देखते हैं इंटरमोलिक्यूलर, तो नाम से ही पता लग रहा है, सिंपल सा इसका एग्जाम्पल वही ले लेते हैं, HF, HF, HF। तो इसमें सिंपली क्या होगा, देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो इस पे आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे भी ऐसे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच थोड़ा अट्रैक्शन हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच थोड़ा अट्रैक्शन हो जाएगा, तो ये 1 मॉलिक्यूल, ये 1 मॉलिक्यूल, ये 1 मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है उसको हम बोल देंगे इंटरमोलिक्यूलर, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच। अब हम बात करते हैं इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो नाम से ही पता लग रहा है, 1 मॉलिक्यूल के अंदर, ये नॉर्मली क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे रिंग रिलेटेड होते हैं ना, इनमें पाई जाएगी। अब देखो ये कंपाउंड है, ये है OH बॉन्ड, ये है CHO। अब यहां पे क्या होगा, देखो ये ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, इधर ये ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, ये हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, तो ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी बॉन्डिंग जिसको हम बोल देंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अपनी वो कंडीशन देख लेते हैं कि ऐसा हाइड्रोजन जो फोन से जुड़ा हो वो फोन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, तो दोनों कंडीशन अपनी सेटिस्फाई हो रही है और ये 1 मॉलिक्यूल के अंदर है इसलिए इसको बोल देंगे इंट्रामोलिक्यूलर। इतनी बात क्लियर है। अब करते हैं सबसे जरूरी बात कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। देखो मेरे को वीडियोस को ज्यादा खींचना पसंद नहीं है इसलिए मैंने ये जड़ी बूटी तैयार की है, और ये रिजल्ट कैसे आई ये भी कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, आप कॉमन सेंस से सोचोगे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। पर ये जड़ी बूटी आप नोट डाउन कर लो और इनकी हेल्प से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। हाँ क्वेश्चन एक एक सोल्व करो और मेरे को कमेंट में बताओ, ठीक है। इससे ये ऐसे क्या ऐसे नोट डाउन कर लो, इससे सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। देखो देखो इसमें क्या है, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इंक्रीज होगा और इंट्रा की वजह से डिक्रीज होगा। सोल्युबिलिटी इंटर की वजह से इंक्रीज, इंट्रा की वजह से डिक्रीज। सरफेस टेंशन इंक्रीज होगी दोनों केस में, इंटर भी इंट्रा भी। विस्कोसिटी दोनों केस में इंक्रीज, इंटर भी इंट्रा भी। अब इसको याद करने की एक ट्रिक बताता हूं। देखो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सब कुछ इंक्रीज हो रहा है, सब कुछ इंक्रीज हो रहा है,
और इंट्रा की वजह से क्या है, मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी डिक्रीज एंड सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी इंक्रीज। ठीक है, इंटर की वजह से सब कुछ इंक्रीज और इंट्रा की वजह से सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी इंक्रीज हो रही है, बाकी बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में नए ट्रिक्स के साथ। थैंक यू।